नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जो ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। 2022 पीईटी के थ्रू इसका वैकेंसी आया 2023 के अप्रैल मई के टाइम में, और इसका शॉर्टलिस्ट किया गया था जो लड़कों का उनका नॉमिनेशन नॉमिनेटेड कैंडिडेट लोगों का लिस्ट लगभग सितंबर में मुझे सही आया, जिसमें लगभग 66,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, 60,000 66,000 के नियर अबाउट। इसमें टोटल वैकेंसी की अगर बात करें, इसमें टोटल वैकेंसी है कितना, 1400 के नियर अबाउट। टोटल वैकेंसी है 1400 और शॉर्टलिस्ट किया गया है 6600, 66,000 लोग। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कंपटीशन कम नहीं है, इसके लिए आपको निरंतर पढ़ाई करने की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा इसका हम सिलेबस के बारे में, तो आयोग ने सितंबर के टाइम में इसमें एक नोटिफिकेशन दिया था कि जो भी लोग इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है उनके बारे में जो भी किचन ये दिया गया है, लेकिन उनका एक सिलेबस जारी। तो इसमें सिलेबस में थोड़ा पैटर्न देख सकते हैं एग्जाम का क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन रहेंगे और समय अवधि जो है 2 घंटे का है, 200 क्वेश्चन और 2 घंटे की समय अवधि की बात कही गई है। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो बहुविकल्पी रहेगा, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी। ठीक, 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गया, 4 क्वेश्चन गलत किए, 1 क्वेश्चन आपका सही चला जाएगा। अच्छा, एग्जाम में जो है बहुत ही क्या है कि अगर 1 क्वेश्चन भी गलत करना है तो आप अपने आप को बात नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है, पेपर भी इतना ईजी नहीं रहेगा। ठीक, अगर इसका हम सिलेबस में बात करें तो 100 मार्क्स इस तरह से बटे हुए हैं। जैसे मैं अगर आप देखिए तो फर्स्ट भाग एक में लगभग 65 मार्क्स जो है वो ग्राम पंचायत। ठीक, उसके बाद 15 मार्क्स कंप्यूटर से रिलेटेड है और 20 मार्क्स उत्तर प्रदेश जी के, उत्तर प्रदेश जी के पे आप पढ़ लीजिए 20 मार्क्स, ये आप फिक्स कर सकते। उसके बाद कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसका 15 नंबर, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। बचा बात जो है ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड, जो ग्राम पंचायत व्यवस्था का इतिहास, उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, कौन कौन सी कमेटी बनी, कब रिपोर्ट दिए, क्या क्या हुआ, कौन सा संवैधानिक सुधार हुआ, इसमें कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक, पंचायत शुरू किया है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिनियम का 1947, उससे रिलेटेड और उसमें जो भी चीजें, इसमें बहुत सारे धारा बहुत कुछ मिलेगी। ठीक, ये बहुत ही मतलब लेंदी टॉपिक होता है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं उनका कहाँ से उनका वित्तीय स्रोत मिलता है, कैसे कैसे पंचायतों को फंड मिलेगा, क्या और उनका कौन सा वर्क का फंक्शन क्या है, क्या क्या वो कार्य करेंगे, कार्य योजना क्या क्या बना सकते, ये सभी चीजें। फिर चौथे नंबर में अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, अभी भी पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ लागू तो है लेकिन वो ठीक से कार्यरत, तो उसको सशक्त करने का क्या क्या उपाय है, इसके बारे में 5 नंबर के रहेंगे इसमें से। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये 20 मार्क्स है, मतलब 20 मार्क्स से ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो ग्राम के विकास के कौन कौन सी योजनाएं आए, कौन कौन से प्रोग्राम कार्यक्रम बनाओ, और ये मेनली उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रहता है। ठीक, 20 नंबर, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, जो भी विलेज पंचायत ऑफिसर हैं उनका ग्रामीण क्षेत्र के विकास में क्या भूमिका है, उनका क्या योगदान है उसमें, इसके बारे में भी जानकारी लेना पड़ेगा, जो कि 10 नंबर का इसमें से आता है, 10 नंबर इसमें से आए। ठीक ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड, ग्राम पंचायती राज रिलेटेड जो दिए हुए 6 पॉइंट, उनका सिलेबस आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा पॉइंट इसमें स्टडी करना है। जैसे इसमें पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास और उनके संबंध में संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करें, जिसमें परंपरागत पंचायतें और ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, कब से ये पंचायत व्यवस्था शुरू हुई, फादर कौन है, लोकल सेल गवर्नमेंट,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कैसा पदंतरा मिलता होगा, आए क्या क्या चीजें उन्होंने रिफॉर्म किया, क्या अपना रिपोर्ट में क्या समेट दिया, क्या इन्होंने सिफारिश की, कितने टाइम इस चीज के बारे में क्या क्या बोले, ये सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद पंचायतों का वर्तमान स्वरूप अभी उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्राविधान स्वरूप और शक्तियां, एक पंचायतों का निर्वाचन की व्यवस्था, अगर ग्राम पंचायत का जो है स्टेट निर्वाचन कमीशन के अंदर आता है, राज्य निर्वाचन आयोग के थ्रू होता है ग्राम पंचायत के इलेक्शन वगैरह, उसमें क्या आरक्षण है, वन थर्ड महिलाओं का, SC ST का रेशियो में जो बटा हुआ है उसमें कितना क्या है, उत्तर प्रदेश में यहाँ ये भी पूछ सकता है कितने सीटें जो है SC के लिए है, कितने ST के लिए, ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन भूमिकाएं क्या है, ठीक। ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां, जो भी समिति बनी है, पंचायतों का गठन होता है कैसे होता है, उसमें सरपंच कौन होता है, ग्राम सभा किसे बोलते हैं, पंचायतों का अधिकार, उनका क्या क्या राइट्स है, उनका दायित्व तो कर्तव्य हो गया, एक ड्यूटी जो भी है उनकी, पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियां एवं समाधान, उनको क्या क्या चुनौतियां मिलती है, उनका समाधान क्या है, पंचायतों को वित्तीय स्रोत का कार्य योजना, तीसरा पॉइंट है ये, पंचायतों के वित्तीय स्रोत की कार्य योजना, कहाँ से राज्य वित्त आयोग की संरचना और अधिकार का क्रियाकलाप जो भी है, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका, ठीक। इस सब के बारे में जो भी केंद्र सरकार है उसका प्रदर्शन अनुदान योजना, जो भी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम, ये चीज हो गए। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के को सशक्त करने के उपाय, इसको कैसे सशक्त किया जाए उसके बारे में पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है, तो ये भी चीजें हैं। सब थोड़ा टॉपिक जो है बड़ा बड़ा है, इसको ठीक से पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, इसमें छोटे छोटे डाटा बहुत रहेगा, ठीक। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि एक दो योजनाएं है ना, जितना भी ग्रामीण विकास से रिलेटेड योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग 25 से 30 योजनाएं ऐसे होंगे जो कि पूछने की संभावना से क्वेश्चन बन सकता है। ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, अच्छा ग्राम पंचायत अधिकारी उनको ग्रामीण क्षेत्र में विकास कैसे किया जाए, उनका क्या उसमें भूमिका रहेगी, वो सब चीज के बारे में। अच्छा कुछ टॉपिक जो है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड, अच्छा कुछ टॉपिक इसमें भी है उसके पिछले वाले टॉपिक में भी है उसके पिछले वाले टॉपिक में भी है कुछ पॉइंट, तो ये सब देखना है और रिवीजन बहुत जरूरी है। एक कंप्यूटर में अगर आप देखते हैं कंप्यूटर का भी थोड़ा लंबा है, इतना छोटा नहीं, हाँ लेकिन आराम से किया जा सकता है, अभी टाइम है एग्जाम, एग्जाम जून से पहले नहीं होता किसी भी तरीके से। अच्छा अभी मेंस का फॉर्म का फीस भी जमा नहीं हुआ है, मेंस का जो फी जमा करते हैं 200 रुपये अभी वो भी जमा नहीं हुआ है, ठीक। अच्छा तीसरा भाग अगर इसमें देखा जाए, तीसरा भाग उत्तर प्रदेश रिलेटेड, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट का बात किया जाए तो संस्कृति कला वस्तुकला त्योहार लोक नृत्य साहित्य क्षेत्रीय भाषाएं उसकी विरासत ये बहुत इम्पोर्टेंट और रीति रिवाज भी इम्पोर्टेंट, ठीक। और अगर इसमें हम बात करें उत्तर प्रदेश का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पर स्थिति है, कौन कौन से किस राज्य से सटे हुए हैं, किस देश से सटा हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में, कितने राज्य जो नेपाल के साथ टच करते हैं, ये सब चीज इसमें देखना होगा क्योंकि क्वेश्चन यही सब पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, एवरेज रहेगा, मॉडरेट, ठीक। अब एग्जाम प्लान ये इंग्लिश में दिया हुआ है तो हिंदी में आप देख लीजिए, इंग्लिश में आप भी देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ पंचायत का सिस्टम जो भी है सब वही चीज है, उसको इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई के लिए मन लगा के पढ़ाई, और मैं भी कोशिश करूंगा कुछ चीजें आप लोगों को उपलब्ध करवाने का, जिससे आप लोगों का पढ़ाई जो है आप लोगों को पढ़ाई बढ़िया से चले, और अगर सिलेक्शन लेना है एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो कोशिश कीजिए कि 85 मार्क्स के प्लस जाइए, कितने में 100, अगर इससे कम है तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, कोई भी SC ST कमा लीजिए, कुछ एक दो नंबर का अंतर पड़ सकता है लेकिन इतना भी अंतर नहीं रहेगा। जनरल एंड OBC इन दोनों का लगभग लगभग सेम ही रहेगा, उठा के पिछला कट ऑफ देखिए जितने भी एग्जाम में जनरल और प्लस OBC का बात करें,
इनका नंबर लगभग वही रहे। अच्छा, और अगर बाकी दूसरे कैटेगरी में कुछ दिव्यांग जन हो गए और दूसरे दूसरे में, वो सब का थोड़ा मार्क्स में अंतर रहता है, लेकिन उतना भी ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में सभी को नौकरी चाहिए और लोग नौकरी के लिए जी जान लगा दे, जितना हो सक रहा है उतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 4 दिन के बाद पढ़ लेंगे तो आप पीछे जाए। तो हमारा कहने का मतलब यह है साहब कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अगर नौकरी लेना है तो पढ़ना है। ठीक, किसी का आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो देखने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगी, बस आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ आपने पढ़ाई किया है। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हाँ, अगर आप तो टेलीग्राम का मैं लिंक दे दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहीं इससे आप टेलीग्राम से मैसेज जुड़ सकते हैं। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा ये जो शुरुआत है एक पहल अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।